फिजिक्स में चैप्टर नंबर 18 इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं। इसमें हमने प्रीवियसली ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ा था कि ट्रांजिस्टर की वर्किंग किस तरह से होती है, उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, किस तरह से हम उसे करंट एम्पलीफायर के तौर पे और वोल्टेज एम्पलीफायर के तौर पे यूज़ करते हैं। ठीक है, पावर एम्पलीफिकेशन के लिए आपने जो है वो कलेक्टर टर्मिनल कॉमन रखना होता है, लेकिन उसके बारे में डिटेल्स हमारे इस चैप्टर में मौजूद नहीं है। अब ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, वोल्टेज एम्पलीफायर के बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है ट्रांजिस्टर एज अ स्विच। ऑटोमेटेड सिस्टम्स में सिस्टम्स को ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ करने के लिए ट्रांजिस्टर को हम एज अ स्विच भी यूज़ कर सकते हैं। जरा देखिए कि हमारे पास किसी ट्रांजिस्टर में ये बेस टर्मिनल है, ये वाला टर्मिनल जो है ये कलेक्टर टर्मिनल है, और इस टर्मिनल को हम इमिटर टर्मिनल का नाम देते हैं। ये तीन टर्मिनल्स हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें इनके दरमियान में बायसिंग करनी है। ठीक है, यहाँ पर एक स्विच लगा हुआ है और उसके बाद हमने आगे बायसिंग रिक्वायरमेंट कंप्लीट करनी है जो कि इमिटर और बेस के दरमियान में होनी है, और इसके अलावा कलेक्टर और इमिटर के दरमियान में भी हमने बायसिंग करनी है। यहाँ पे इस जगह पे हम कोई बल्ब अटैच कर देते हैं जिसको हम ऑन या ऑफ करना चाहते हैं। ठीक है, और रेजिस्टेंसेस भी हम ऐड कर सकते हैं यहाँ पे शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए। अच्छा जी, अब उसके बाद बायसिंग रिक्वायरमेंट कंप्लीट करनी है। बायसिंग रिक्वायरमेंट कंप्लीट करने के लिए चूंकि मैंने यहाँ पे जो सिंबल बनाया है वो किसका बनाया है, वो एक NPN ट्रांजिस्टर का बनाया है, तो अगर हमारे पास बेस और इमिटर जंक्शन को हमने फॉरवर्ड बायस करना है तो उसके लिए पी टाइप को बैटरी के पॉजिटिव के साथ और जो N टाइप है उसको बैटरी के नेगेटिव टाइप के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये सिचुएशन होगी। और उसके बाद हमने कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस करना है। अब कलेक्टर बेस जंक्शन को अगर हमने रिवर्स बायस करना है तो उसके लिए मुझे यहाँ पे लगाने वाली बैटरी जो है वो इस टर्मिनल से भी, ये जो हमारे पास ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल है उससे भी बड़ी लगानी पड़ेगी। दैट मीन्स अगर मेरे पास यहाँ पे लेट्स से +3 वोल्ट आ रहा है तो मुझे यहाँ पे जो बैटरी लगानी पड़ेगी वो इतनी बड़ी हो कि वहाँ पे कम से कम लेट्स से मैं कहता हूँ कि +4 वोल्ट हो या +6 वोल्ट हो, कोई भी इस तरह की वैल्यू जो उसके पोटेंशियल से भी बड़ी हो, हम वो यहाँ पे लगाएंगे सेम वोल्टेज एम्पलीफायर की तरह, ताकि हमारे पास यहाँ पे जो वोल्टेजेस आने हैं वो बेस बायसिंग बैटरी से बड़े हों। ठीक है, ताकि हमारे पास ये वाला टर्मिनल रिलेटिवली पॉजिटिव और ये वाला टर्मिनल रिलेटिवली नेगेटिव पे आए और हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो उसका कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे अब कनेक्शन बनाया है। अच्छा जी, अभी स्विच के तौर पे किस तरह से काम करेगा ज़रा देखिए कि अगर यहाँ पे स्विच ऑफ है, ठीक है, स्विच की कंडीशन क्या है, स्विच की कंडीशन है ऑफ, उस वक्त आई बी कितना होगा, उस वक्त आई बी की वैल्यू होगी 0। ठीक है, और आपको पता है कि हमारे पास जो बीटा इज इक्वल टू आई सी ओवर आई बी होता है उसकी वैल्यू में अगर हमारे पास जो करंट, चलें इसको इस तरह से रीअरेंज कर लेते हैं कि हमारे पास इस हिसाब से ये जो रिलेशन है इसको अगर मैं आई बी को उधर ले जाऊं तो क्या बन जाएगा, आई सी इज इक्वल टू बीटा आई बी। तो बच्चों अगर आई बी 0 हो चुका है तो आई सी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, वो भी 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि अगर हमारे पास यहाँ पे ये स्विच ऑफ रहा तो स्विच ऑफ रहने की वजह से ना कोई आई बी एग्जिस्ट करेगा, ना कोई आई सी एग्जिस्ट करेगा, ना कोई आई ई एग्जिस्ट करेगा। दैट मीन्स हमारे पास वो जो रिलेशन था आई ई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी, ये पूरा का पूरा रिलेशन क्या रहेगा, ये रिलेशन 0 रहेगा। ठीक है, अच्छा, अब चूंकि यहाँ पे ना इधर कोई करंट आई बी फ्लो कर रहा है, ना यहाँ पे कोई करंट आई सी फ्लो कर रहा है, ना ही कोई करंट आई ई फ्लो कर रहा है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे बल्ब में से भी करंट नहीं रहे गुजरेगा, और बल्ब क्या रहेगा, बल्ब ऑफ कंडीशन के अंदर रहेगा। बल्ब किस कंडीशन में रहेगा, बल्ब ऑफ कंडीशन के अंदर रहेगा। लेकिन अगर हम इसे स्विच ऑन कर दें, अगर हम स्विच ऑन कर दें तो उससे क्या होगा कि स्विच ऑन करते ही यहां पे करंट आई बी फ्लो करेगा, साथ ही यहां पे करंट आई सी फ्लो करेगा, और यहां पे एक करंट आई ई फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। तो दैट मीन्स जैसे ही हमारे बल्ब में से आई सी फ्लो करेगा तो उस वक्त हमारे पास जो बल्ब है वो क्या होगा, बल्ब ऑन हो जाएगा। दैट मीन्स आप यहाँ पे इस स्विच को ऑन या ऑफ करके यहाँ पे इस बल्ब को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, फिर बता रहा हूँ बच्चों, हमने यहाँ पे क्या किया कि हमारे पास एक NPN ट्रांजिस्टर था जिसकी बेस और इमिटर को फॉरवर्ड बायस करने के लिए हमने बेस पी टाइप के साथ बैटरी का पॉजिटिव और N टाइप के साथ नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट किया है, और यहाँ पे एक स्विच लगाया है। ठीक है,
और उसके बाद कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस करने के लिए हमने यहाँ पे बेस के साथ, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल बेस बायसिंग बैटरी का अटैच है, ये बेस बायसिंग बैटरी है, तो इसके भी पॉजिटिव टर्मिनल से ज़्यादा बड़ी बैटरी, पॉजिटिव टर्मिनल वाली बैटरी यहाँ पे लगाई है, जिसे मैं बेस कलेक्टर करंट कलेक्टर बैटरी VCC का नाम दूंगा। अब बच्चों अगर ये स्विच ऑफ रहेगा तो ना कोई करंट IB होगा, ना कोई करंट IC होगा, ना कोई करंट IE होगा, और जब IC इस बल्ब से नहीं गुजरेगा तो बल्ब ऑफ रहेगा। लेकिन जैसे ही हम स्विच को ऑन कर देते हैं, स्विच को ऑन करते ही क्या होगा, स्विच को ऑन करते ही हमारे पास जो है IB भी फ्लो करेगा, IC भी फ्लो करेगा और IE भी फ्लो करेगा, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे अगला क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पे हमारे पास ये जो मतलब ऑफ स्विच है, तो ऑफ स्विच के ऊपर हमारे पास जो कंडीशन बनी है वो ये बनी है कि हमारे पास जो है बल्ब में से भी करंट नहीं गुजरना, लेकिन जब हम इस स्विच को ऑन कर देंगे तो यहाँ से करंट गुजरेगा, इधर से भी गुजरेगा। अब बच्चों नेक्स्ट बात ये कि आप फिर तो ये भी कह सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास जो बैटरी है वो इस तरह से लगा ली जाए, ठीक है, कि यहाँ पे एक बल्ब लगा दो इस जगह पे, और बल्ब के साथ जो स्विच लगाना है वो स्विच आप इस जगह पे लगा दो, ठीक है। आप इस स्विच को ऑन ऑफ कर लो तो फिर यहाँ पे ट्रांजिस्टर की क्या जरूरत है, अगर आप इस स्विच को ऑफ कर देते हैं तो बल्ब ऑफ हो जाएगा, स्विच को ऑन कर देते हैं तो बल्ब ऑन हो जाएगा, तो इसमें ट्रांजिस्टर की जरूरत कहां से आ गई। तो बच्चों इसका मकसद यह है कि हम यहां पे एक बहुत ही छोटे करंट IB की मदद से एक बहुत बड़ा करंट IC कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। एक बहुत छोटा करंट IB ऑन ऑफ कर सकता है एक बहुत बड़े करंट IC को। तो इस तरह से जो सेंसर्स हैं, सेंसर ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो एक फिजिकल क्वांटिटी को किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी में तब्दील कर देते हैं। तो इसलिए यहां पे जो स्विच ऑन ऑफ करना है ये आपने नहीं करना है, ये किसी सेंसर ने करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कहता हूँ कि हमारे पास इस जगह के ऊपर कोई टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ है। टेम्परेचर सेंसर क्या है? टेम्परेचर सेंसर एक बायमेटैलिक स्ट्रिप है, ठीक है, ये हमारे पास बायमेटैलिक स्ट्रिप है और उसके साथ एक कॉन्टैक्ट उसका यहाँ पे लगा हुआ है। अब इस कॉन्टैक्ट का एक कनेक्शन इस जगह पे है और दूसरा कनेक्शन इस रॉड के साथ है। अब जैसे जैसे टेम्परेचर किसी बॉयलर का हाई होता चला जाता है तो ये रॉड बैंड करती करती जैसे ही इस कॉन्टैक्ट के साथ मिलती है उसमें से एक छोटा सा करंट IB फ्लो करता है जो एक बहुत बड़े करंट IC को फ्लो करवाता है और यहाँ पे कोई वार्निंग बल्ब या कोई हमारा जो अलार्म सिस्टम है वो ऑन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कोई वार्निंग बल्ब या फिर कोई अलार्म सिस्टम ऑन हो जाएगा और उसके बाद जब ये सेफ लिमिट्स के अंदर होगा तो ना कोई करंट IB फ्लो करेगा, ना कोई IC फ्लो करेगा, ना IE फ्लो करेगा और ना ही वार्निंग बल्ब या कोई अलार्म ऑन होगा, ठीक है। फिर से बताता हूँ, जैसे ही हमारे पास टेम्परेचर एक खास लेवल से बढ़ेगा तो ये बायमेटैलिक स्ट्रिप बेंडिंग करने की वजह से क्या करेगी, वो इस कॉन्टैक्ट के साथ जुड़ जाएगी, ठीक है। और जैसे ही वो इस कॉन्टैक्ट के साथ जुड़ेगी तो यहाँ पे सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, एक छोटा सा करंट IB फ्लो करेगा जो बहुत बड़े करंट IC को यहाँ पे कंट्रोल करेगा, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास ये जो ट्रांजिस्टर एज अ स्विच है वो काम करता है, जिसमें आप एक छोटे से करंट IB की मदद से एक बहुत बड़े करंट IC को कंट्रोल करते हो, ठीक है। अच्छा बच्चों यहाँ पे इसी ट्रांजिस्टर एज अ स्विच के तौर पर मैं एक और बात आपको एक्सप्लेन करने लगा हूं, वो ये कि आप इस कॉन्फ़िगरेशन को नॉट गेट के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये नॉट गेट किस तरह से काम करेगा जरा देखिए कि मैं यहाँ पे यही सर्किट दोबारा बनाता हूँ कि हमारे पास ये है ट्रांजिस्टर जिसका ये कलेक्टर टर्मिनल है और यहाँ पे इस जगह पे जो टर्मिनल है उसका नाम क्या है, उसका नाम है इमिटर टर्मिनल, और इसी तरीके से यहाँ पे जो टर्मिनल है उसका नाम क्या है, उसका नाम है बेस टर्मिनल, ठीक है। अब यहाँ पे अगेन मैं उस पहले की तरह स्विच बना रहा हूँ, स्विच के बाद बैटरी लगा रहा हूँ बायसिंग के लिए, बेस बायसिंग बैटरी, और यहाँ पे इस सर्किट को हमने कंप्लीट कर लिया और इस जगह के ऊपर जहाँ मैंने पहले बल्ब शो किया था अभी वही बल्ब शो कर रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे इस जगह के ऊपर हमने क्या किया, एक बैटरी लगाई है, अच्छा जी। उसके बाद नॉट गेट काम करवाने के लिए मैं बल्ब यहाँ लगाने के बजाय इस जगह पे अगर बल्ब लगाता हूँ, किसी रेजिस्टेंस से होता हुआ एक बल्ब लगा देता हूँ, ठीक है। तो ये वाला बल्ब जो है ना ये अब ऑन ऑफ की तरह काम करेगा, ठीक है। वैसे बल्ब का जो सिंबल यूज किया जाता है वो ये वाला होता है कि आप यहाँ पे इस तरह से एक सर्किट बना के इसको अनसर्कल कर देते हो तो ये सर्किट सिंबल होता है हमारे बल्ब का, ठीक है। तो बच्चों अब जरा देखो, ये स्विच ऑफ है, ये बल्ब भी ऑफ है, क्योंकि ना कोई IB है, ना कोई IC है, ना कोई IE है, और बैटरी का सारा करंट एक हाई रेजिस्टेंस से होते हुए बल्ब से गुजर रहा है। दैट मीन्स ये बल्ब किस कंडीशन में है, बल्ब ऑन कंडीशन में है। उसके बाद जैसे ही मैं स्विच को ऑन करता हूँ तो स्विच को ऑन करते ही ये वाला सिग्नल 1 हो जाता है, ये वाला सिग्नल भी 1 हो जाता है। दैट मीन्स IB फ्लो करता है, IB के फ्लो करने के साथ ही यहाँ से IC फ्लो करता है और यहाँ पे फ्लो करता है IE। सो जैसे ही IC इस बल्ब से गुजरता है तो यहाँ पे करंट की कंडक्शन स्टार्ट हो जाती है, और जब चूंकि बैटरी को एक आसान रास्ता मिलता है जहाँ पे बहुत कम रेजिस्टेंस है तो करंट इस हाई रेजिस्टेंस से गुजरने के बजाय इस पाथ को प्रीफर करता है और ये वाला जो बल्ब है ये ऑफ हो जाता है। तो इसका मतलब है कि जब हमने यहाँ पे सिग्नल 0 किया था तो हमारा ये बल्ब 1 पे था, और जब हमने इसको 1 कर दिया तो ये वाला बल्ब जो है
ये जीरो के ऊपर आ गया। इसका मतलब है कि हमारा ये जो ट्रांजिस्टर एज अ स्विच वाला सर्किट है, अगर इसमें हम बैटरी के साथ हाई रेजिस्टेंस से होता है एक बल्ब अटैच कर दें तो इस बल्ब के लिए एक नॉट गेट का भी काम करता है। ठीक है, तो बच्चों यहां तक अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो काइंडली टाइप कर दीजिएगा। मैं फिर से बता दूं कि ये सेंसिंग के लिए इस्तेमाल होता है, जहां पे एक बहुत छोटा सा करंट एक बहुत बड़े करंट को कंट्रोल करता है। अगर आप सर्किट में यहीं पे एक स्विच लगा देते तो वो बहुत बड़े करंट आईसी से ही आईसी को कंट्रोल करता। तो अगर आप थर्ड पार्टी करंट आईबी से किसी बहुत बड़े करंट आईसी को कंट्रोल करना चाहते हो तो आप यहाँ पे ट्रांजिस्टर लगाते हो, वरना तो स्विच बल्ब के साथ भी लगाया जा सकता था। ठीक है, और ये काम जो है ये सेंसर्स ने करना है। यहाँ पे स्विच का ऑन ऑफ ये आपने मैनुअली नहीं करना, यहाँ पे कोई टेम्परेचर सेंसर हो सकता है, कोई प्रेशर सेंसर, साउंड सेंसर, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने बात कर ली ट्रांजिस्टर एज अ स्विच की। तो ये ट्रांजिस्टर एज अ स्विच का टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम आगे चलते हैं और आगे चलते हुए ऑपरेशनल एम्पलीफायर की बात करते हैं। ठीक है, बच्चों यहाँ पे मैं आपको एक और बात बता दूं कि जो बुक ने लिखा है ना, बुक ने ये लिखा है कि जब हमारे पास स्विच ऑन होगा तो ये सर्किट इस तरह से बिहेव करेगा कि जैसे यहाँ पे ये स्विच ऑन है इमीटर और कलेक्टर के दरमियान में। ठीक है, और जब ये वाला स्विच ऑफ होगा, ये वाला स्विच ऑफ होगा तो यहाँ पे ये सर्किट भी किस तरह से एक्ट करेगा, ये एक ऑफ स्विच की तरह काम करेगा। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज ऑपरेशनल एम्पलीफायर। बहुत ही कॉन्सेप्चुअली टफ टॉपिक है ये, तो जरा इसको ध्यान से सुनिएगा। ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज अ ब्लैक बॉक्स मॉडल। बच्चों ब्लैक बॉक्स मॉडल का क्या मतलब होता है? बच्चों देखो, जिस तरीके से आप टीवी के अंदर केबल लगाते हो, ठीक है, केबल सिग्नल्स कैरी करती है, वो सिग्नल्स आगे आपको स्क्रीन के ऊपर मिलते हैं पिक्चर और स्पीकर से साउंड की सूरत में। ठीक है, आपने एक स्पेसिफिक इनपुट केबल के जरिए से दी और उसके अगेंस्ट आपको आउटपुट मिली स्क्रीन के ऊपर वीडियो और इसके अलावा स्पीकर के अंदर ऑडियो की सूरत में। अब आपको नहीं पता कि टीवी के अंदर सर्किट कौन सा लगा हुआ है, ठीक है, आपको बस ये पता है कि क्या इनपुट देंगे तो क्या आउटपुट मिलेगी। इस तरह के मॉडल को जब हम स्टडी करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि ये एक ब्लैक बॉक्स मॉडल है, क्योंकि हमें उसके अंदर के स्ट्रक्चर के बारे में बिल्कुल भी कुछ पता नहीं होता। हम सिर्फ एक सर्टन इनपुट के अगेंस्ट एक सर्टन आउटपुट जो है वो अचीव करते हैं। इसके अलावा दूसरे एग्जांपल हम ये दे सकते हैं कि फॉर एग्जांपल पंखे का बटन हम ऑन करते हैं, दो वायर्स के जरिए से हम उसे करंट देते हैं, करंट देने के बाद पंखा हमें हवा देता है। अगर हम दरमियान का सारा प्रोसेस के किस तरीके से रोटेशन जनरेट हुई, किस तरीके से हवा को उसने पुश किया, ये तमाम चीज़ें नेगलेक्ट करके सिर्फ इस बात पे कंसीडर करें कि हमने करंट दिया और करंट देने के बाद हमें आउटपुट के तौर पे हवा मिली, तो इसका मतलब है कि आपने पंखे को एज अ ब्लैक बॉक्स मॉडल स्टडी किया। ठीक है, इसी तरीके से माइक्रोफोन में आपने जो है वो कोई बात की और बात करने के बाद आपको स्पीकर्स के जरिए से उसकी साउंड मिली। अब दरमियान में कौन सा प्रोसेस हो रहा है, अगर आप इस बात को नेगलेक्ट करते हुए सिर्फ इनपुट साउंड और आउटपुट साउंड की बात कर लो, दरमियान में तमाम जो प्रोसेस हो रहा है उसको नेगलेक्ट कर लो, तो उसे हम क्या कहते हैं, ब्लैक बॉक्स मॉडल कहते हैं। तो इसी तरीके से ऑपरेशनल एम्पलीफायर भी काम करता है। बच्चों हमने देखा कि किस तरीके से हमने ट्रांजिस्टर को एज अ करंट एम्पलीफायर और एज अ वोल्टेज एम्पलीफायर यूज किया, एज अ कॉमन बेस और एज अ कॉमन इमिटर ट्रांजिस्टर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब बच्चों अगर आपको कहीं सर्टन गेन चाहिए, या तो वोल्टेज गेन चाहिए या फिर करंट गेन चाहिए, तो बजाय आप एक ट्रांजिस्टर को जोड़ो, उसके साथ रेजिस्टेंसेस लगाओ, कभी कनेक्शन ढीला रह जाएगा, कभी कोई कंपोनेंट खराब हो जाएगा। ठीक है, जो हमने ट्रांजिस्टर एज अ वोल्टेज एम्पलीफायर का टॉपिक किया है, ये वाला पेज नंबर 161 के ऊपर जो हमने कल किया था, इसके अंदर देखिए कि आपने यहाँ पे बैटरी लगानी है, आरबी लगानी है, आरसी लगानी है, वीसीसी लगानी है, इनपुट आउटपुट लगानी है। जब आप मैनुअली ये काम करोगे तो एक तो ये काम बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड होगा, दैट मीन्स बहुत बड़े एरिया के ऊपर आप ये छोटा सा सर्किट करोगे जो सिर्फ एक एम्पलीफिकेशन करेगा। ठीक है, एक दफ़ा एम्पलीफाई करने के लिए आप इतने बड़े एरिया के ऊपर ट्रांजिस्टर भी फिट करोगे, ये तमाम चीज़ें बनाओगे, बनाने के बाद कनेक्शन जोड़ोगे, कहीं कनेक्शन ढीला रह जाएगा, और जो हमारा ट्रांजिस्टर एज अ वोल्टेज एम्पलीफायर है उसके इनपुट्स के अगेंस्ट आउटपुट्स ठीक नहीं आएंगी, आपकी मर्जी की आपको आउटपुट्स नहीं मिलेंगी। ठीक है, सो इस तरह के प्रॉब्लम से बचने के लिए कंपनीज क्या करती हैं, कंपनीज एक चिप के ऊपर तमाम चीज़ें डेवलप कर देती हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि यहाँ पे एक चिप डेवलप की गई है, कंप्यूटर चिप। ठीक है, कंप्यूटर चिप डेवलप करने के बाद यहाँ पे इस चिप के ऊपर ही कंपनी ने एक ट्रांजिस्टर ग्रो किया। ठीक है, इस जगह के ऊपर एक ट्रांजिस्टर ग्रो किया क्रिस्टल की सूरत में, और उसके टर्मिनल्स को मैं यहाँ पे सिंबॉलिकली शो कर रहा हूँ कि ये हमारा टर्मिनल है
ठीक है, कलेक्टर का ये है, इमीटर का टर्मिनल, ये सारा का सारा इसके ऊपर ही डेवलप किया गया, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया है, अब उन्होंने यह किया कि यहाँ पे जो हमारे पास इमीटर है, ठीक है, लेट से मैं कहता हूँ कि इमीटर का टर्मिनल उन्होंने यहाँ पे दे दिया है, कलेक्टर का टर्मिनल इस जगह के ऊपर दे दिया है, ठीक है, और उसके बाद जो बेस का टर्मिनल है वो उन्होंने यहाँ पे दे दिया है, ठीक है, और उसके बाद जो ये वाला टर्मिनल है ये कॉमन ग्राउंड के साथ भी कनेक्ट होगा, तो लेट से मैं कहता हूँ ये कॉमन ग्राउंड वायर है, ये ग्राउंड वायर जो है बेस, इमीटर और कलेक्टर की आउटपुट सबके साथ कनेक्ट होगी, ठीक है। चलिए मैं इसको यहाँ पे बना लेता हूँ कि ये हमारी ग्राउंड टर्मिनल है, ये कौन सी टर्मिनल है, ग्राउंड टर्मिनल है। अब बच्चों अगर आपने यहाँ पे इस चिप के ऊपर इसको डेवलप कर दिया है, तो अब यहाँ पे इस इंटीग्रेटेड, इसे हम कहेंगे इंटीग्रेटेड सर्किट, क्या कहेंगे, इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट है, और इसे हम शॉर्ट टर्म में आईसी भी कहते हैं। इस तरीके से उन्होंने एक सर्किट दिया, सर्किट देने के बाद यहाँ पे ये सर्किट बनाया, सर्किट बनाने के बाद इसके ऊपर ना प्लास्टिक का कैप्सूल चढ़ा दिया, ठीक है। इसका मतलब है अब आपको यहाँ पे क्या सिचुएशन नजर आ रही है, अब आपको यहाँ पे सिचुएशन नजर आ रही है कि यहाँ पे आपके पास एक चिप मौजूद है, इंटीग्रेटेड सर्किट है, इंटीग्रेटेड सर्किट के आपको ये टर्मिनल्स मिल रहे हैं इस तरह से, लेट से मैंने जो यहाँ पे सर्किट बनाया उसके अगेंस्ट हमें ये वाले टर्मिनल्स मिल रहे हैं। अब अंदर क्या सर्किट बना हुआ है ये आपको पता नहीं है, ठीक है, इसके अंदर क्या सर्किट है ये अब आपको नहीं बताया जाएगा, आपको सिर्फ ये चार टर्मिनल्स दिए जाएंगे और इसके ऊपर कुछ लिखा होगा, फॉर एग्जाम्पल इंटीग्रेटेड सर्किट 304, ठीक है, लेट से इंटीग्रेटेड सर्किट 304 आप गूगल के ऊपर सर्च करोगे कि आईसी 304 की करेक्टरिस्टिक क्या है, तो आपको बताएगा कि यहाँ पे जो चिप कंपनी ने जनरेट की है उसका ये वाला टर्मिनल बेस है, ये वाला टर्मिनल इमिटर है, ये वाला टर्मिनल जो है कलेक्टर है, और ये कॉमन ग्राउंड टर्मिनल है। अब आपने क्या करना है, अब आपने बायसिंग जब करनी है, लेट से मैं कहता हूँ कि आपने वो क्या कहते हैं बेस और इमिटर जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करना है, तो आप यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगाते हुए, इधर एक बैटरी लगाते हुए इसको फॉरवर्ड बायस कर दोगे। इसी तरीके से आपने जब कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस करना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे कलेक्टर के साथ इस तरह से कनेक्ट करोगे बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ पे नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, ये काम करोगे। इधर आप लगाओगे आरसी रेजिस्टेंस और उसके बाद आप उसको क्या करोगे, इस इमिटर के साथ कनेक्ट कर दोगे, ठीक है, इस तरह से। और उसके बाद आपने क्योंकि कलेक्टर और इमिटर के क्रॉस आउटपुट लेनी है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे इस जगह से कनेक्शन निकालोगे और कनेक्शन निकालने के बाद कलेक्टर और इमिटर के क्रॉस आप आउटपुट वोल्टेजेस लोगे। इसी तरीके से बेस और इमिटर में आपने क्योंकि इनपुट देनी है, आप यहाँ पे एक एक्सटर्नल सर्किट कनेक्ट करोगे और यहाँ के ऊपर इस जगह के ऊपर इनपुट दे दोगे। इसका मतलब है अब आपको पता है कि आपने किस तरीके से वो ट्रांजिस्टर का सर्किट ड्रॉ करना है, ठीक है। बच्चों जरा देखो, मैंने ये सर्किट वही बनाया जो कल हमने ट्रांजिस्टर के लिए बनाया था, कि ये कलेक्टर टर्मिनल है, ये वाला इमिटर टर्मिनल है, ये है बेस, और ट्रांजिस्टर कौन सा है, एनपीएन ट्रांजिस्टर है। अब उसके बाद यहाँ पे बायसिंग की गई है, इस जगह के ऊपर एक रेजिस्टेंस आरबी लगाई गई है, इस जगह के ऊपर एक बायसिंग बैटरी वीबीबी लगाई गई है, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे एक कॉमन ग्राउंड टर्मिनल है, इधर इमिटर का टर्मिनल हमारे पास आ रहा है, और इधर आपने जो है वो ग्राउंडिंग टर्मिनल भी लगाया हुआ है जो कि हर किस्म के चार्जेस को अब्सॉर्ब करता है। इसी तरीके से यहाँ पे जो है कलेक्टर के अक्रॉस आपने बायसिंग के लिए एक रेजिस्टेंस लगाई है आरसी और वीसीसी, ये बैटरी लगाई है, और ये आपके जो दोनों टर्मिनल्स हैं ये कौन से हैं, ये आउटपुट टर्मिनल्स हैं, और ये वाले जो दोनों टर्मिनल्स हैं ये कौन से हैं, ये आपके इनपुट टर्मिनल्स हैं। तो बजाय आप ट्रांजिस्टर को इस तरह से डिजाइन करो, आपको ट्रांजिस्टर इस तरह से नहीं मिलेगा, मतलब आमतौर पर ट्रांजिस्टर की शक्ल इस तरह की होती है कि यहाँ पे एक ड्रम सा बना हुआ होता है इस तरह से, और इस ड्रम के अगेंस्ट यहाँ पे तीन टर्मिनल्स दिए जाते हैं जो कि आप किसी भी सर्किट के ऊपर कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन आपको ब्लैक बॉक्स मॉडल में, ऑपरेशनल एम्पलीफायर में, ये सर्किट इस तरह से नहीं मिलेगा, बल्कि ये सर्किट आपको इस शेप में मिलेगा कि यहाँ पे आपको एक कैप्सूल दिया गया है, इंटीग्रेटेड सर्किट दिया गया है, उसके ऊपर उसका नंबर लिखा हुआ है, और आपको बताया गया कि इस इंटीग्रेटेड सर्किट 304 पे गूगल करने के बाद आपको पता चलेगा कि इसके करेक्टरिस्टिक क्या है। इसके ये टर्मिनल्स गिवन है, ठीक है, ये कलेक्टर है, ये इमिटर है, इसके अलावा ये वाला जो टर्मिनल है वो बेस है, सॉरी ये वाला ग्राउंड है, और जो ये वाला टर्मिनल है वो क्या है, वो इमिटर है। अब आपने क्या करना है, कलेक्टर के साथ आरसी से होती हुई एक बैटरी लगानी है, ठीक है, तो यहाँ पे आप एक रेजिस्टेंस ऐड कर दो, रेजिस्टेंस के साथ आप एक बैटरी लगा दो, ठीक है, तो आपने ये काम कर लिया। उसके बाद आपने जो ये वाला टर्मिनल है ये किसके साथ कनेक्ट करना है, इधर कॉमन ग्राउंड के साथ कनेक्ट करना है, तो इस टर्मिनल को कॉमन ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दो, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने जो है बेस से होती हुई एक रेजिस्टेंस लगानी है आरबी, ये आरबी लगाई आपने, आरबी के बाद आपने एक बैटरी लगा ली, ये बैटरी है, और उसके बाद इसका दूसरा टर्मिनल आपने कहाँ पे लगा देना है, आपने लगा देना है लेट से इमीटर के साथ, और आपको पता है कि इमीटर आगे किसके साथ कनेक्ट है, ग्राउंड के साथ कनेक्ट है, इमीटर आगे ग्राउंड के साथ भी कनेक्ट है। तो इस तरीके का आपने सर्किट बनाया, ठीक है। उसके बाद आपने इनपुट सिग्नल देना है बेस और इमीटर के दरमियान में, तो आपने इसी टर्मिनल के साथ यहाँ पे
इस जगह के ऊपर इनपुट सिग्नल प्रोवाइड कर देना है, और चूंकि आपने इमिटर और कलेक्टर में यहाँ पे इस जगह पे आउटपुट लेनी है, तो आप इन दोनों टर्मिनल्स के अगेंस्ट क्या लोगे, आउटपुट लोगे। इसका मतलब है अब आपको ट्रांजिस्टर बना के जोड़ने की जरूरत नहीं रहेगी, बल्कि आपको एक बने बनाए सर्किट मिलेगा, इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसके ऊपर उसका नंबर लिखा होगा और ये बताया जाएगा कि वो उसका कौन सा टर्मिनल ज्यादा कौन सा टर्मिनल क्या काम करता है। अब बच्चों ये तो एक सिंपल सी एग्जांपल थी, आमतौर पे जो इंटीग्रेटेड सर्किट होते हैं वो इतने सिंपल नहीं होते, ठीक है। वो इंटीग्रेटेड सर्किट किस तरह से काम करते हैं उसकी बात कर लेते हैं। अच्छा जी, बुक ने एग्जाम्पल दी हुई है पेज नंबर 163 के ऊपर, इंटीग्रेटेड सर्किट 741, ठीक है। इसको भी गूगल कर सकते हो कि इसके कौन सा टर्मिनल क्या काम करता है, लेकिन मैं ऐसे बना रहा हूं कि हमारे पास ये एक इंटीग्रेटेड सर्किट है और हमारे पास इसके अगेंस्ट इस कैप्सूल के अंदर से जो है वो चार चार कनेक्शन दोनों साइड्स के ऊपर दिए गए हैं, ठीक है। ये तारे हैं जो कि आप किसी मदरबोर्ड के ऊपर कनेक्ट करोगे, ये कनेक्शन है। अब उसके बाद यहां पे लेट्स से मैं कहता हूं कि जो ये वाला टर्मिनल है वो आपको देख के पता चल जाएगा कि ये कॉमन ग्राउंड टर्मिनल है, ठीक है। अच्छा, इन दोनों टर्मिनल्स के अगेंस्ट आपने क्या अप्लाई करना है, आपने इनपुट बैटरी देनी है, ठीक है, या इनपुट सिग्नल देना है। और उसके बाद लेट से मैं कहता हूं कि यहां पे आपने जो है वो जो है आउटपुट बैटरी देनी है, ठीक है, दैट मींस आउटपुट बायसिंग करनी है। उसके अगेंस्ट अगर आप ये दोनों टर्मिनल्स लेते हो तो आपको यहां पे जो है 10 टाइम्स वोल्टेज गेन मिलता है, ठीक है। और अगर आप इसके बरक्स ये दोनों टर्मिनल्स यूज करते हो तो आपके इनके अगेंस्ट लेट से 100 एम्पीयर का गेन मिलता है, ठीक है। इसका मतलब है हर टर्मिनल के अगेंस्ट आपने क्या कनेक्ट करना है और आपको क्या मिलेगा, ये आपको इसकी करेक्टरिस्टिक नेट के ऊपर मिल जाएगी। लेकिन इसके अंदर स्ट्रक्चर क्या अलग है, कौन सा कंपोनेंट बनाया गया है, ठीक है, हो सकता है रेजिस्टेंसेस भी सारी यहीं डेवलप कर दी गई हो, यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर के बजाय 50 ट्रांजिस्टर बने हों या लाख ट्रांजिस्टर बने हों इस चिप के ऊपर, और उसके अगेंस्ट यहाँ पे बहुत सारे टर्मिनल भी दिए हों। आपने अक्सर देखा होगा कोई भी मदरबोर्ड होता है कंप्यूटर का, तो उसके अंदर भी ब्लैक कलर के इस तरह के बॉक्सेस होते हैं जिनके ऊपर कोई नंबर लिखा होता है इंटीग्रेटेड सर्किट का, और समटाइम उनके अगेंस्ट ना यहाँ से बहुत बड़ी तादाद में कनेक्शन बाहर आ रहे होते हैं, ठीक है। इस तरह का कोई सर्किट बना होता है और उसमें हर कनेक्शन क्या काम करता है ये उसको बनाने वाली कंपनी आपको बता देती है, और आपने जो सर्किट बनाना होता है उनमें उस तरीके से कनेक्शन प्रिंट करने के बाद आप उसे जोड़ लेते हो। इस तरह के हम जो ट्रांजिस्टर है, जो इस तरह का जो एम्पलीफायर है उसे हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर कहते हैं, जिसका दूसरा नाम क्या है, ओप एम्प है, ठीक है। इसे इन जनरल ओप एम्प भी कहते हैं, जिसका मतलब ऑपरेशनल एम्पलीफायर है। ये सर्किट है जो कि ऑपरेशनली यूज होता है, जो हमने ट्रांजिस्टर एज अ वोल्टेज एम्पलीफायर बनाया था वो इसका एक बेसिक कंपोनेंट है। इस सर्किट के ऊपर हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में वो सर्किट ड्रा करके उनके कनेक्शंस दिए जा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे बात कर ली ऑपरेशनल एम्पलीफायर की। अब बच्चों ऑपरेशनल एम्पलीफायर के सर्किट सिंबल की बात करते हैं। बच्चों इसका जो सर्किट सिंबल है वो ये वाला होता है, इस तरह से आप एक ट्राइंगल बनाते हो, ठीक है। ट्राइंगल में ये वाला टर्मिनल आपका आउटपुट टर्मिनल होता है, ठीक है। यहाँ पे दो इनपुट टर्मिनल्स हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, और ये टर्मिनल ग्राउंड टर्मिनल है। ये टर्मिनल कौन सा है, ग्राउंड टर्मिनल है। आजारी बात है ग्राउंड की वायर भी इन्हीं में से एक होगी, हो सकता है ये वाली वायर ग्राउंड हो या ये वाली वायर ग्राउंड हो, लेकिन जब हम यहाँ पे बनाते हैं सर्किट सिंबल तो उसमें ग्राउंड की वायर इससे अलग शो की जाती है। तो बच्चों यहाँ पे आप वी नेगेटिव सिंबल देते हो, यहाँ पे आप वी पॉजिटिव सिंबल देते हो, ये आपका ग्राउंड टर्मिनल है, ये आउटपुट टर्मिनल है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे ये टर्मिनल एक और भी होता है, ये आगे आपको पढ़ाएंगे, मतलब अगले टॉप पेज के ऊपर ये बना हुआ है कि ये वाला टर्मिनल प्लस वीसीसी का है और जो ये वाला टर्मिनल है ये कौन सा है, ये माइनस वीसीसी का है। ये मैं बताता हूँ आपको इसका क्या मतलब है। बच्चों अगर आप यहाँ पे इनपुट प्रोवाइड करते हो पॉजिटिव और ग्राउंड के दरमियान में, दैट मीन्स जो भी आपने कनेक्शन देना है वो आप यहाँ पे पॉजिटिव और ग्राउंड के दरमियान में देते हो, इस जगह के ऊपर आपको इनपुट सिग्नल प्रोवाइड करते हो। तो बच्चों यहाँ पे अगर आप इनपुट सिग्नल प्रोवाइड करोगे तो आउटपुट सिग्नल आपको इस तरह से मिलेगा, ठीक है। आपको नॉन इन्वर्टेड सिग्नल मिलेगा, कौन सा, नॉन इन्वर्टेड सिग्नल मिलेगा। अच्छा, इसके अलावा अगर आप इनपुट देते हो नेगेटिव और ग्राउंड में, दैट मीन्स आपने जो सिग्नल देना है आपने वो सिग्नल इन दोनों टर्मिनल्स के दरमियान में देना है, तो उस वक्त क्या होगा, उस वक्त ये होगा कि अगर आप ये वाला इनपुट देते हो तो आपको गेन के बाद 180 डिग्री के फेस शिफ्ट के साथ, ठीक है, इन्वर्टेड सिग्नल मिलेगा। आपको कौन सा सिग्नल मिलेगा, इन्वर्टेड सिग्नल मिलेगा, जिसमें गेन भी होगा और इसके अलावा उसकी इन्वर्जन भी होगी, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पे इनपुट दे सकते हो पॉजिटिव एंड नेगेटिव के दरमियान में।
आप यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान में सिग्नल इस तरह से दे सकते हो कि आप यहाँ पे इस जगह के ऊपर कोई सिग्नल अप्लाई कर दो। तो बच्चों इस तरह से वो कंपेरेटर के तौर पे काम करेगा। अब ये कंपेरेटर क्या होता है ये एक अलग टॉपिक है, जब हम पढ़ेंगे उस वक्त मैं एक्सप्लेन करूंगा। और बच्चों किसी भी केस में जब आपने आउटपुट लेनी है वो आप आउटपुट कहाँ पे लोगे, आउटपुट लोगे आप वी आउटपुट एंड ग्राउंड के दरमियान में, दैट मीन्स आप इस जगह के ऊपर जो भी कनेक्शन लगाओगे वो आपको आउटपुट देगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे थोड़ा सा ऑपरेशनल एम्पलीफायर के जो है बेसिक्स के ऊपर जो है वो स्टडी कर लिया है। ठीक है, नजर आपके क्वेश्चन देख लूँ यहाँ तक। अच्छा बच्चों यहाँ पे अभी तो जो है वो कोई सिग्नल कोई क्वेश्चन नहीं है। अच्छा रमीशा ने क्वेश्चन पूछा है कि इन्वर्टेड सिग्नल मींस, बच्चे मैंने आपको यहाँ पे ट्रांजिस्टर एज अ वोल्टेज एम्पलीफायर पेज नंबर 161 का जब टॉपिक करवाया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जब आप यहाँ पे इनपुट के ऊपर एक वेव अप्लाई करते हो तो आपको आउटपुट के ऊपर गेन भी मिलता है और इन्वर्जन भी मिलती है। क्रस्ट के अगेंस्ट ट्रफ आता है, ट्रफ के अगेंस्ट क्रस्ट आता है। ठीक है, इसमें मैंने जो यहाँ पे आपको वो पढ़ाया था वोल्टेज गेन की इक्वेशन, उसमें यहाँ पे माइनस बीटा आरसी ओवर आरआईई था। ठीक है, उसमें माइनस साइन भी क्या शो करा था, 180 डिग्री का फेज शिफ्ट। तो इसका मतलब है अगर आप पॉजिटिव सिग्नल दोगे तो आपको नेगेटिव मिलेगा, नेगेटिव सिग्नल दोगे तो पॉजिटिव मिलेगा। इसे हम कहते हैं इन्वर्जन या फिर 180 डिग्री का फेज शिफ्ट। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली है। अब उसके बाद हम अच्छा बच्चों इसके बाद करेक्टरिस्टिक ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर हैं, लेकिन आई थिंक टाइम जो है वो खत्म हो रहा है तो इसलिए हम चलते हैं अपने टेस्ट की तरफ। तो जो हमारे स्टूडेंट्स हमें फेसबुक के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर लाइव देख रहे हैं काइंडली वो campus.pk के ऊपर लॉगिन कीजिए ताकि वो हमारे टेस्ट का हिस्सा बन सकें। बाकी बातें जो है वो बाद में बात करते हैं। ठीक है, अभी हम MC को स्टार्ट कर रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पे आपका जो है वो टेस्ट स्टार्ट हो चुका है, मैं तब तक रिवाइज कर देता हूँ। हमने सबसे पहले ट्रांजिस्टर एज अ स्विच की बात की। बच्चों अगर हम बेस इमिटर जंक्शन को फॉरवर्ड बायस और कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस कर दें, इसके अलावा कलेक्टर और बैटरी के दरमियान में एक बल्ब और बेस और ग्राउंड के दरमियान में या इमिटर के दरमियान में एक स्विच लगा दें, ऑटोमेटेड स्विच जो किसी सेंसर की मदद से काम करेगा, तो बच्चों जैसे ही आप उस स्विच को ऑफ करोगे ना कोई IB होगा ना कोई IC होगा और बल्ब ऑफ हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आपका सेंसर सर्किट के स्विच को ऑन करेगा उसके अंदर बहुत ही माइनर करंट IB फ्लो करेगा, तो उसे 100 या 200 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करंट IC फ्लो करेगा बल्ब में से, जिसकी वजह से बल्ब ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जब आपने ऑटोमेटेड स्विचिंग करनी होती है तो आप ट्रांजिस्टर को यूज़ करते हो, जिसमें एक बहुत छोटा सा करंट IB जो है वो एक बहुत बड़े करंट IC को कंट्रोल करता है। अगर आप उस बैटरी के साथ पैरेलल में एक रजिस्टर और बल्ब लगा दो तो वो बल्ब नॉट गेट की तरह काम करता है। जब इनपुट सिग्नल 0 होगा तो वो बल्ब ऑन होगा और जब इनपुट सिग्नल 1 होगा तो वो बल्ब ऑफ हो जाएगा। उसके बाद हमने ऑपरेशनल एम्पलीफायर की बात की। और ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या होता है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर एक ऐसी चिप है जिसके ऊपर सर्किट डिजाइन करने के बाद उसको कैप्सूल में इनक्लोज कर दिया जाता है। अब आपको नहीं पता होता कि उसके अंदर क्या स्ट्रक्चर है, लेकिन बस आपको उसके अगेंस्ट इनपुट आउटपुट टर्मिनल्स दे दिए जाते हैं। ठीक है, इस तरह से मैंने यहाँ पे शो किए हैं। अब उसके ऊपर यहाँ पे इंटीग्रेटेड सर्किट नंबर लिखा होता है। फॉर एग्जाम्पल बुक ने एग्जाम्पल जो पेज नंबर 163 पे दिए वो क्या है, IC741। अब IC741 के अगेंस्ट अगर आप गूगल करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसकी करेक्टरिस्टिक क्या है। इसमें से जो 8 लाइनें बाहर आ रही हैं, इन 8 लाइनों का क्या मतलब है, हो सकता है वहाँ पे लिखा हो कि यहाँ पे जो टर्मिनल 1 है उसको आपने ग्राउंड करना है, टर्मिनल 2 के ऊपर आपने इन्वर्टिंग सिग्नल देना है, टर्मिनल 3 के ऊपर आपने नॉन इन्वर्टिंग सिग्नल देना है, टर्मिनल 4 के ऊपर आपने आउटपुट लेनी है, टर्मिनल 8 प्लस VCC है, टर्मिनल 7 माइनस VCC है। अगर आप 6 और 1 के दरमियान में इनपुट लेते हो तो आपको जो है वो नॉन इन्वर्टिंग सिग्नल मिलेगा, अगर आप 5 और 1 के दरमियान में आउटपुट लेते हो तो आपको इन्वर्टेड सिग्नल मिलेगा। मुख्तलिफ टर्मिनल्स की जो गेन की वैल्यू मुख्तलिफ होगी, एक ही चिप के ऊपर हज़ारों या लाखों की तादाद में ट्रांजिस्टर डेवलप किए जाएंगे और उनके सर्किट्स बनाए जाएंगे और उसे इंटीग्रेटेड सर्किट की सूरत में मार्केट कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से ऑपरेशनल एम्पलीफायर काम करता है। और जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर का सर्किट है वो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे एक टर्मिनल वी नेगेटिव है, एक वी पॉजिटिव है। अगर आप वी नेगेटिव और ग्राउंड के दरमियान में सिग्नल दोगे तो आउटपुट पे आपको 180 डिग्री का फेज शिफ्ट और इन्वर्टेड वो
जो है वो इन्वर्टेड सिग्नल मिलेगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे शो किया है। लेकिन अगर आप इनपुट वी पॉजिटिव और ग्राउंड के दरमियान में देते हो तो आपको आउटपुट और ग्राउंड के दरमियान में जो आउटपुट मिलेगी वो गेन के साथ होगी, लेकिन उसमें कोई फेज शिफ्ट या फिर इन्वर्जन नहीं आएगी। और अगर आप यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव के दरमियान में कोई इनपुट देते हो तो वो कंपैरेटर के तौर पर काम करेगा, वो एक अलग टॉपिक है, उस वक्त हम स्टडी करेंगे। और बच्चों उसके बाद यहाँ पे जो हमारा टर्मिनल है ये आउटपुट है, ये ग्राउंड है। वी पॉजिटिव और वी नेगेटिव क्या होते हैं उस पर मैं बाद में डिटेल में बात करूंगा, फिलहाल बस इतना बता देता हूं कि जब वी नेगेटिव पे बड़ा सिग्नल आएगा तो आउटपुट माइनस वी सी सी होगी, ये वाला सिग्नल यहां आएगा, ठीक है। जब यहां पे बड़ा सिग्नल होगा तो फिर आउटपुट पे आने वाला सिग्नल ये वाला होगा, और अगर वी प्लस पे बड़ा सिग्नल होगा वी नेगेटिव की निस्बत, जब वी प्लस पे वी नेगेटिव से ज़्यादा बड़े वोल्टेजेस होंगे तो आउटपुट पे जो वोल्टेजेस आएंगे वो ये वाले आएंगे, ठीक है। इनको आगे पीछे बना लें तो सभी कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो बच्चों ये हमारे पास जो है ऑपरेशनल एम्पलीफायर की कुछ बेसिक्स थी, जिनके ऊपर कल हम थोड़ी सी करेक्टरिस्टिक की बात करेंगे, और जो है लॉन्ग क्वेश्चन इसके साथ एसोसिएटेड हैं वो भी हम स्टडी करेंगे, ठीक है। अच्छा बच्चों यहाँ तक जो है वो आपके एमसीक्यूज कंप्लीट हो गए हैं। सर जरा करेक्ट आंसर दिखाइएगा, करेक्ट आंसर दिखाइएगा मुझे। अच्छा जी क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है व्हाट इज़ द पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर फॉर इट्स करेक्ट फंक्शनैलिटी। बच्चों आपको बताया हुआ तमाम टाइप की जो है कॉन्फ़िगरेशन यूज़ हो सकती हैं, कॉमन इमिटर वोल्टेज एम्पलीफायर, कॉमन बेस करंट और कॉमन कलेक्टर जो है वो पावर एम्पलीफायर के तौर पर यूज़ होता है। फॉर मेकिंग अ ट्रांजिस्टर फंक्शनल व्हाट आर बायसिंग रिक्वायरमेंट, तो आपको बताया हुआ कि इमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस और कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस होता है। ठीक है। एमसीक्यू नंबर 3 है व्हाट इज़ द करेक्ट रिलेशन विद रिस्पेक्ट टू डोपिंग। बच्चों यहाँ पे आई थिंक कोई मिसप्रिंट हुआ है, ठीक है, तो इस एमसीक्यू को छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। व्हाट इज़ द वोल्टेज गेन ऑफ अ कॉमन इमिटर ट्रांजिस्टर इफ़ इट हैज़ गेन ऑफ 150, इट्स इनपुट रेजिस्टेंस इज 50 ओम एंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्टेड इज 100 ओम, ठीक है। तो बच्चों आपको पता है कि हमारे पास जो रिलेशन है वो क्या था, वो था ए वी इज इक्वल टू माइनस बीटा क्योंकि हमें क्या करना है यहाँ पे, हमें सिर्फ जो है वो गेन की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद इट्स इनपुट रेजिस्टेंस इज 50 ओम, ये वैल्यू 50 होगी, और इसके अलावा कनेक्टेड जो रेजिस्टेंस है वो कितनी होगी, वो 100 होगी, तो इसका मतलब है वोल्टेज गेन कितना होगा, 300 आएगा। उसके बाद है करंट गेन ऑफ अ ट्रांजिस्टर इज 200, दैट मीन्स अब आपको बीटा की वैल्यू 200 गिवन है, दैट मीन्स नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें आपने बीटा की जगह पे 200 पुट करना है, और उसके बाद इट्स इनपुट रेजिस्टेंस इज 15 ओम, आर आई ई की जगह पे 15 पुट करना है, उसके बाद व्हाट मस्ट बी द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्टेड, ये आर सी आपने फाइंड करना है, और जो वोल्टेज गेन है वो कितना दिया हुआ है, वो 12 दिया हुआ है। इसका मतलब है आप इन टर्म्स को इस तरफ ले आओगे, यहाँ पे आके ये मल्टीप्लाई बाय 15 और डिवाइडेड बाय 200 बन जाएगा, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे आरसी की वैल्यूज मिल जाएंगी। बच्चों यहाँ पे जो आपके मार्क्स आ रहे हैं वो आउट ऑफ 10 है, आई थिंक ये कोई मिस्टेक है, ठीक है। आई थिंक कोई मेल फंक्शन है। बच्चों यहाँ तक जो है हमारा आज का ऑपरेशनल एम्पलीफायर का टॉपिक वो कंप्लीट होता है, इंशाल्लाह ताला कल हम इसकी करेक्टरिस्टिक करेंगे, और उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज इन्वर्टिंग एम्पलीफायर एंड ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, ये टॉपिक्स हमारे जो है वो कल के स्केड्यूल का हिस्सा होंगे। तो फिलहाल हम अपने लेक्चर को यहाँ पर वाइंड अप करते हैं, इंशाल्लाह ताला कल मिलते हैं, खुदा हाफिज़।
मैंने सोचा था ये कर दूं, मैंने कहा ये पूरा ना हो जाए।